Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your maths teacher, and today I am going to teach you maths of class 8. And today we continue chapter 7, linear equations in one variable. And today we do exercise 7.1, part 2. Now first see in the book, this is your maths book, maths of class 8. Now open exercise 7.1. See here, this is the exercise 7.1 and page number 58. In part 1, we already done question number 1 to 5. So today we start from question number 6. So 6th question is written in this notebook. See here. This is the question number 6. 5y minus 3 upon 2y plus 1 equal 2/5. ये क्वेश्चन है बच्चों, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ. तो ये मार्क लगाना जरूरी नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से किया हुआ है. तो 5 का मल्टीप्लाई बच्चों हम इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो इनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे. पहले हम यहाँ 5 लिखेंगे और इन दोनों का हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे. देन इक्वल, अभी पहले 2 लिखेंगे और इन दोनों का हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे. अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 1/1 इन दोनों के साथ करना है. पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे. 5 5 25y. अब ये माइनस हम यहाँ लिखेंगे और 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे. 5 3 15. देन इक्वल, अब 2 का मल्टीप्लाई 2y से करेंगे, तो 2 2 4 और ये y. देन ये प्लस, अब 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2. अब यहाँ पे इक्वल है, अब देखो लेफ्ट साइड में हम y वाले टर्म लिखेंगे, तो 25y. अब इसे हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4y इक्वल. पहले 2 लिखेंगे, अब इस नंबर को हमें यहाँ लेकर आना है, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +15. अब माइनस कर दिया हमने यहाँ पर, 25y में से 4 माइनस कर दिया, तो यहाँ आ गया 21y इक्वल, प्लस करेंगे 17. अब y इक्वल पहले 17 और 21 नीचे डिवाइड में पहुँच जाएगा. बच्चों अब ये नंबर जो 17 है, हमारा एक प्राइम नंबर है और 17 के डिवाइड में 21 नहीं आता, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 17/21, दिस इज द आंसर. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज द 7, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. 3a + 5/3 - 2a इक्वल 5/3. फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इनका इस तरह से. पहले 3 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करना है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट में, देन इक्वल पहले 5 और इन दोनों को हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे. अब देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 3a से करेंगे, तो 3 3 9 और ये a प्लस, 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15 इक्वल. अब यहाँ देखिए 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 5 3 15. देन माइनस, अब 5 का मल्टीप्लाई 2a से करेंगे, तो 5 2 10 और ये a. अब यहाँ इक्वल है, अब लेफ्ट साइड में हम a वाले टर्म लिखेंगे, तो 9a. अब यहाँ पर a है, अब ये माइनस है, इसे हम यहाँ लेकर आएंगे, तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, +10 इक्वल.
15, अब ये 15 हमें यहाँ लेकर आना है, तो ये प्लस का माइनस 15 हो जाएगा। अब 9 प्लस 10 तो ये हो गया 19a इक्वल 0, a की वैल्यू हो जाएगी 0 और 19 से डिवाइड कर देंगे तो 0 अपॉन 19, तो आंसर आ जाएगा 0, a इज इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर। इससे से आपको समझ में आ गया बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, 2x अपॉन 3x प्लस 1 इक्वल माइनस 3। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये तो हमारा इसी तरह से रहेगा, 2x इक्वल अब माइनस 3 और इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ब्रैकेट में आ गया, ये तो इसी तरह से रहेगा इक्वल। अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे हम, तो 3 थ्री जा 9, तो माइनस 9 और ये x। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, तो दोनों मिलकर माइनस हो गए और 3 × 1 3 बन जा 3। अब यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमें x वाले टर्म लिखने हैं तो ये 2x। अब ये 9x को हम बच्चों यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 9x इक्वल माइनस का 3 सेम रहेगा क्योंकि इसकी जगह हमने चेंज नहीं की। इनको प्लस कर देंगे तो 11x इक्वल माइनस 3। अब x का आंसर निकालेंगे हम तो माइनस 3, 11 इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस 3 अपॉन 11, दिस इज द आंसर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन लिखा हुआ है अपॉन 1 − 7x इक्वल 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये तो जैसा है सेम लिखा रहेगा, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेते हैं, 17 × 2 = 34, फिर ये माइनस। अब 17 × x = 17x, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो −5x। अब ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 16, देन इक्वल। अब 8 का मल्टीप्लाई देखो हमें इसमें करना है, तो पहले 8 और इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे हम। अब देखिए इसमें x इन दोनों को एक साथ हम कर देंगे, −17 और −5, दोनों में x है तो दोनों मिलके हो गए −22x। अब ये 34 है और ये माइनस का 16, तो −16 में से 34 को माइनस कर देंगे तो −26 बचेगा इक्वल। अब 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 माइनस 8 × 7 = 56x। अब देखिए यहाँ इक्वल लगाएंगे लेफ्ट साइड में x वाले टर्म, तो पहले ये −22x लिखेंगे, x इसमें है, ये नंबर हम उठाकर यहाँ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा +56x इक्वल। 8 का 8 लिखेंगे, अब ये नंबर है इसको हमें यहाँ लेकर आना है तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा +26। अब देखिए ये नंबर बड़ा है पॉजिटिव वाला, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा +34x इक्वल, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 34, तो x इज इक्वल टू 34 अपॉन ये वाला 34 नीचे आ जाएगा, देखो 34 से 34 कट गया वन टाइम, तो x इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द क्वेश्चन, y − 7 − 8y ब्रैकेट क्लोज अपॉन 9y माइनस ब्रैकेट में 3 + 4y इक्वल 2/3। इसका भी हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y अब ब्रैकेट के बाहर देखो सिर्फ माइनस है, नंबर नहीं है, तो हम आप सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई करके नंबर बाहर लिख लेते हैं, तो -7
माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 8y अपॉन, अब 9y लिखेंगे, ये माइनस और ये अंदर प्लस है तो माइनस 3, माइनस और ये प्लस मिलके हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू अपॉन 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें वाई वाई एक साथ हैं, ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो इन दोनों को एक साथ कर देंगे, नीचे भी वाई वाई को एक साथ कर देंगे हम, तो इसका हमारा जो नंबर बनेगा वो देखिए इस तरह से बनेगा, यहाँ पर देखिए 8y और 1y तो 9y हो गए, 9y माइनस 7, तो ऊपर लिखेंगे 9y माइनस 7। अब नीचे देखिए 9y माइनस 4y, यानी कि 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5y माइनस 3, तो नीचे आ जाएगा 5y माइनस 3 इक्वल टू अपॉन 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो यहाँ 3 और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल, अब 2 का ऐसे करना है तो पहले 2 और इन दोनों को ब्रैकेट में, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, 3 9 27y माइनस 3 7 21 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 5 5 में करेंगे, 2 5 10y माइनस 2 3 6 इक्वल, अब यहाँ पे हम y वाले टर्म लिखेंगे 27y, अब इसे हमें यहाँ लाना है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस 10y इक्वल माइनस 6, अब माइनस 21 को हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 21। अब इसमें 27 में से हम माइनस करेंगे 10 तो 17y इक्वल, अब देखो 21 में से हम माइनस कर देंगे 6 तो 15, सो y इज इक्वल टू 15 और ये 17 हमारा नीचे आ जाएगा तो 15 अपॉन 17, तो y की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 17 एंड दिस इज द आंसर। सो योर एक्सरसाइज 7.1 पार्ट सेकेंड इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।